और गैस वेलकम टू द न्यू वीडियो। और ये है मेरे आज का सुबह का नाश्ता, चटनी रोटी। हाँ तो भाई, फ्लिपकार्ट से कुछ आया है, पता नहीं क्या है इसके अंदर, देखते हैं। दो तीन पाँच चार नौ नौ पीस नारियल के गोले आए हैं। और अभी दिवाली का टाइम है, देखो अंदर तो आ गया, अब फटफड़ा रहा है निकलूंगा, इसको निकलने की चाहिए। डरते क्यों अबे, निकाल देता हूँ ना, यहाँ से निकाल देता हूँ। वो एक बैठा उसके साथ। ये सब सामान आया है शॉप पर बेचने के लिए, जिनमें से एक तो मैं खा गया। ये मेरा स्पीकर है जो आज मम्मी के पास चला जाएगा, मैं संदीप से लाया था। अब ये स्पीकर है, ये जाने वाला है, क्योंकि ये मम्मी ने मांग लिया है। कल रात को ये कुछ सामान आया था, ये भी अभी लेकर जाऊंगा। अब इसमें क्या है, मम्मी आ गई है और मेरे लिए कुछ सामान लेकर आई है दिवाली गिफ्ट में। की सारी क्या बोल रहे हैं, ये गिफ्ट सीधे घर पे जाके खोलूंगा, देखूंगा क्या है इस पे क्या नहीं। और वैसे भी 1:30 बज रहा है, घर पे मिलता हूँ। ये चीज़ मम्मी ने सुबह फ़ोन करके बोला था ये चाहिए, तो वो तो चली गई है, भूल गई है। अभी फ़ोन कर रहा हूँ, देखता हूँ, थोड़ी देर रुकता हूँ, आती है तो दे दूँगा। आपको पता है एक बात, जो भी मम्मी सामान लेके आई थी मेरे लिए, जो गिफ्ट लेके आई थी, वो मैं दुकान पर ही भूल गया। अभी शाम को जाके लाना पड़ेगा। That's me. मेरे पास एक सिंपल सी स्टोरी है, कल रात की है। कल रात को 3:30 बजे करीब, पहले ये वीडियो देख लो। किसी के चलने की आवाज़ अगर आपको सुनाई दे रही है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर दो बाल्टियाँ रखी हुई है और उस पर वो बैठी हुई है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं जूम करके दिखाता हूँ। अब बात यह है कि रात के 3:30 बजे हैं, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरी टंकी का पानी एक ही दिन में कैसे ख़त्म हो गया, जबकि एक हफ्ते चलता है, तो इसके लिए मुझे डाउट हुआ था। लेकिन फिर मैं उतना चेकअप किया नहीं, तो कल रात को मैंने देखा कि ये जो सामने वाले हैं, मतलब सामने से ऊपर वो लोग जो हैं, वो लोग डेली रात के 2 बजे 3 बजे या 4 बजे करीब, ऐसे टाइम पर उठ, मतलब सोते हैं कि नहीं पता, जगे हुए रहते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। और ये लोग उस टाइम पे पानी भरते हैं उस टाइम पर। तो कल मैंने सोचा है क्यों ना वीडियो शूट कर लिया जाए, तो मैंने ये वीडियो शूट कर लिया। ये कोई कहने वाली बात नहीं है, मैं सोचा इसको क्या कहूँ, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि बता देता हूँ। एक प्रूफ भी अपने पास रहेगा, अगर कभी बाय चांस मैंने, अगर मेरी टंकी में मतलब कोई भी अगर दिक्कत होती है, मुझे अगर पानी की दिक्कत होती है और मुझे सर्च करना पड़े कि कौन ऐसा करता है, और अगर इनका नाम निकल के आता है, तो उस वक्त के लिए मेरे पास एक प्रूफ होना चाहिए। ये जो ये वाला रूम है ना, इस रूम के हैं वो लोग जिसमें पर्दा टंगा रहता है। खास बात उसमें ये भी है कि उस रूम का जो है ओनर,
उसने इन लोगों को अभी तक पूरी तरीके से रूम का सारे मतलब जो भी घर है उसका पूरा डॉक्यूमेंट दिया नहीं है। इस वजह से उस रूम पर मतलब उस घर में बिजली भी नहीं है। तो इन लोगों का अपना एक दुकान है कहीं पर, वहाँ पे ये लोग इंटरव्यू इन्वर्टर लेकर जाते हैं और चार्ज करके लाते हैं और फिर ये यहाँ पर यूज़ करते हैं उसको एज इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए उस बिना डॉक्यूमेंट्स के इनको बिजली मीटर मिला नहीं है, जिस वजह से इनके घर में बिजली भी नहीं है। और बिजली नहीं है तो जाहिर सी बात है ये पानी कहाँ से चलाएंगे? पानी चलाने के लिए मोटर तो है, लेकिन मोटर चलाने के लिए बिजली भी नहीं है। तो ये लोग इस तरीके से पानी लाते हैं और मेरे को लगता है यही लोग, अभी तक मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ, शायद मेरी टंकी का पानी जो 2 बार खाली हुआ था 1 हफ्ते में, इन लोगों का हाथ है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। चला गया, एक केक का डब्बा है वो तेरे घर चला जाएगा और ये पेस्ट्री वाला डब्बा ये मेरे घर आ गया बस। तो गाइस बज चुके हैं 7 या 7:30 पता नहीं, और अभी जो ये गिफ्ट्स वगैरह हैं ये सब अभी ओपनिंग करेंगे। कुछ गिफ्ट्स जो मम्मी ने दिए हैं वो जो मैं दोपहर को भूल गया था, और कुछ जो इसके ऑफिस से आए हैं वो, तो अभी इनको फटाफट से खोल के देखता हूँ क्या है इसमें। ये गिफ्ट्स हैं जो इसके ऑफिस से आए हैं, ये मम्मी ने दिया है एक ये, और ये जो है मम्मी ने दिया ये तो खोल दिया है, ये तो अभी इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका देखेंगे इसमें क्या है। इसका तो पता है ये बेडशीट है, उसका देखते हैं। ये बेडशीट ऐसे खुलता है, कभी ज़िंदगी में बेडशीट खोला नहीं ना इसलिए पता नहीं है। दिस इज द बेडशीट। ये है साड़ी, ब्लाउज है, दिस इज साड़ी का ब्लाउज पीस, दिस इज द साड़ी। ये किस लिए लिया है? ये कहाँ सेट करूंगा मैं, ये कहाँ सेट करूंगा मैं? मम्मी देख रही है ना, मुझे बता देना ये कहाँ, फोन करके बता देना इसको कहाँ लगाना है। सबको अलग अलग है, ये अकेले मुझे मिला है। मे दिस दिवाली कुछ 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 लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा है। मे दिस दिवाली कम अप विद ब्यूटीफुल बिगिनिंग्स, फ्रेश होप्स एंड ब्राइट डेज, हैप्पी दिवाली। ऐसे फाड़ा जाता है और ये दोबारा पैक करके किसी को देना हो तो नहीं देना। राउंड फ्रूट बॉल, अच्छा मुझे लगा वो है, ये मिला है ये। इसका क्या करेंगे? अच्छा कैंडल है वो, ये मम्मी ने दिया है कैंडल, कल जलेगा ये। भोग लगा देना, छोटी दिवाली भी है ना, उसके बाद खाना पहले में तक। इसको कहाँ लगाना है? बाहर गेट के चिपका दो। तो गिफ्ट की अनबॉक्सिंग हो गई है, पता चल गया क्या क्या गिफ्ट मिला है, ऑफिस वालों ने क्या दिया है, मम्मी ने क्या दिया है, सारा कुछ पता चल गया। और अब थोड़ा ये सब चीज़ों का सजावट करेंगे, सेटिंग करेंगे, उसके बाद अभी और सामान लेके आएंगे तब सेटिंग करेंगे। अभी और सामान लाना है, मार्केट जाना है अभी। आज जिस दिन ये तूने लगाया था उस दिन झगड़ा हुआ था, ठीक है 10 मिनट का, उसके बाद आज ये दोनों चीज़ें इसने लगाई है, कोई इसमें फोटो लगा के फ्रेम कर लेगा शीशा लगा के। मैं निकाल लाऊंगी ऑफिस से। अच्छा ये वाला फोटो फ्रेम तूने लगाया है? नहीं तो लगाऊंगी, ये तो पन्नी तो आज भी नया लग रहा है। अच्छा ये पहले से ही था ना ये फोटो? वो वाला बताओ कितने? ये शीशा पन्नी, शीशा है पीछे, दो दिन दो नहीं। तो मार्केट जाके आते हैं उसके बाद पूजा कर देंगे ना। बढ़ जाएंगे, दिए जला रखे मैंने, दिए हैं, दिए लगाए तो खाली दिए दिए जलाने हैं ना, जले हुए हैं, सिर्फ मिठाई डालनी है, थोड़ी सी वहां रखनी है, उनमें डालनी है बस। और शुभ दीपावली बांधने वाली है क्या? बांधने वाली, चिपकाने वाली, सारी चिपकाने वाली है। कितने कितने वाली है? 10 रुपए की बड़ी वाली, 20 के पूरा। एक वो वाली दे दो, ये वाली। Thank you.
जीठू की बात हो रही है। सामान सर मेरे हाथ में। वहाँ क्यों लगा रही है? नहीं लगाते हैं। कील कहाँ है? नीचे से। कील पे तो आता हूँ। दो झूमर, दो लड़ी, ये एक पता नहीं ये है जुगाड़ू इंसान। पिन में से कील निकाल निकाल के लग गया ये, और वो भी लग गया, बस ये बचा है और वो बचा है। एक ये वाला अभी बचा हुआ है जो मम्मी ने दिया था, इसको भी अभी बाहर वाले मेन गेट पे लगाएंगे। ये मेन गेट का जो हम अभी खरीद के लाए हैं, जो ये मम्मी लेके आई थी हमारे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हो गया खत्म, और बाकी का जो डेकोरेशन है वो होगा कल। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी हैप्पी धनतेरस आप सबको मेरी तरफ से। तुझे बोलना है हैप्पी धनतेरस, उसकी तरफ से भी मैं ही बोल देता हूँ हैप्पी धनतेरस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल के वीडियो में, क्योंकि कल दिए वगैरह और भी आएंगे, कल वो सब जलाया जाएगा, उनके लिए डेकोरेशन अलग से होगा। पटाखे फूट रहे हैं, पटाखे मत फोड़ो, पोल्यूशन बहुत हो गया है।